एक अत्यंत आवश्यक बात, वैसे हम न कहते पर रेवासा महाराज की प्रेरणा है इसलिए हम उसको बोल रहे हैं। पूज्य रेवासा महाराज बहुत अधिक चिंतित रहते हैं इस बात को लेकर के कि पहले यदा कदा शरीर अस्वस्थ होता था, अब बार बार शरीर अस्वस्थ हो रहा है। पिछली बार जड़खोर में थे उस समय भी पेट की समस्या पैदा हो गई थी, उसके पहले भी। और पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी, श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज, सभी संत बहुत चिंतित हैं। तो इस बार पूज्य रेवासा महाराज ने 4-5 बार हमसे ये बात कही, कम से कम जहाँ मेरी स्मृति में है, कि मुझे बहुत संतोष है कि सज्जन शर्मा जी जैसे व्यक्ति आपके पास आ गए। नहीं तो रुंगटा जी को पता है, सभी लोगों को पता है कि सवेरे 5 बजे से लेकर के और रात्रि को 11-12 बजे तक हम सो भी रहे हों तो हमारे निकट वाले हिला के जगा देते थे, अमुक व्यक्ति आया मिल लीजिए। न खाने का समय न सोने का समय। और इस तरह का श्रम, अव्यवस्थित श्रम करते करते कम से कम 20-22-23 वर्ष तो हो गया होगा। दिन में कहीं, रात में कहीं, सवेरे कहीं, शाम में कहीं, या तो कथा के आसन पर या यात्रा में। और ऐसे अवसर भी आए कि एक ही सप्ताह में 3 सप्ताह गए। सवेरे कहते थे गोवर्धन में चंद्र सरोवर में कथा, फिर कहते थे वहाँ लाडली दास जी के यहाँ बरसाने में, आपको स्मरण में होगा, और उसी समय शाम को कहते थे रमण रीति बलराम बाबा के, पूज्य श्री बलराम दास जी महाराज के स्थान में। एक समय में, एक सप्ताह में 3 सप्ताह। आप लोग कहें ऐसा क्यों? बहुत विशेष आग्रह हुआ, संतों को संकोच में डालना या मना करना यह हमारे स्वभाव में नहीं, बहुत आग्रह किया तो हमने स्वीकार कर लिया। कम से कम 12-13 घंटे रोज बोलते थे और बाकी समय गाड़ी में बीतता था। वो तो कैसे ठाकुर जी ने पार लगाया ठाकुर जी ही जाने। पूज्य बक्सर वाले मामा जी बड़े रुष्ट हुए, बोले ज़्यादा लोग परेशान करें तो मेरे पास भेज दिया करो, उनसे समय लेके आओ। यही बात रमण रीति वाले महाराज जी कहते हैं कि आपको, अब आपको कोई ज़्यादा परेशान करे तो बोले उनसे, बाबा से जाके पूछ लो। संतों का बहुत अनुग्रह। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने कहा, आप बहुत श्रम करते हैं, इतना श्रम करेंगे तो लंबे समय तक लोगों को सत्संग का लाभ कैसे मिलेगा। उन्होंने भी ये बात कही। परम पूज्य श्री स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज, सुखतीर्थ दंडी आश्रम, स्वामी श्री विष्णु आश्रम जी ने भी यही कहा, इतना श्रम ठीक नहीं है, लेकिन हमारे स्वभाव में। तो अब चिकित्सकों के अनुसार यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि हमें थोड़ा, अब तक हमने अपने शरीर को बिल्कुल समय नहीं दिया, अब चिकित्सक तो अभी ये कह रहे हैं कि आपको कुछ समय तक बोलना ही नहीं है। अभी आपको सुनकर ये सब बात कहने की नहीं है, 25-26 बार दवाई लेते हैं हम सवेरे से शाम तक, एलोपैथिक और होम्योपैथिक मिला के, अभी भी पूर्ण स्वस्थता नहीं है। इसके बाद भी हम सवेरे हवन के समय भी लोग आकर के दर्शन करते हैं, कोई मनाही नहीं। लीला के बाद भी लोग दर्शन करते, कोई मनाही नहीं। कथा में आने के पहले भी लोग दर्शन करते, कोई मनाही नहीं। अब यह है कि जैसे बैठ के चर्चा करते थे वो नहीं करते हैं, अब कथा के बाद जाने के बाद भी 10-15 मिनट बैठते हैं। यद्यपि इन्होंने कहा कि आप तो घोषणा 11 से 12 की कि आप तो 3-3 बार दर्शन दे रहे हैं, मैंने कहा कोई बात नहीं, सब कोई कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, लोग दुखी होके न जाएं। लेकिन अब पूज्य श्री रेवासा महाराज की आज्ञा से, उनकी प्रेरणा से यह आवश्यक हो गया कि अब हम अपने शरीर की व्यवस्था अपने ऊपर न रखें, किसी एक योग्य अच्छे व्यक्ति को हम सौंप दें। तो भगवान के अनुग्रह से पवित्र विप्रकुल में उत्पन्न, सारस्वत विप्रकुल में उत्पन्न, छोटी आयु में 8-9 वर्ष की आयु में ही इनका यज्ञोपवीत हो गया। सज्जन शर्मा जी का
और तब से लेके अब तक भगवत कृपा से नित्य त्रिकाल संध्या करते हैं, नित्य एक सहस्त्र गायत्री जपते हैं, और सीए में भी कलकत्ते के गिने चुने सीओ में आपका नाम रहा है। और अब रुंगटा जी का आग्रह था कि किसका विशेष आग्रह था, तो जड़खोर में भी आ गए और वहाँ भी सेवा आपने संभाली, और अब आपके मन में भी ये दृढ़ भाव हो गया है कि ठीक है संतों की आज्ञा हो रही है, तो आपकी व्यक्तिगत सेवा की जो कार्य है या आपके शरीर को विश्राम देने का कार्य है, अभी बीच में ऐसे कार्यक्रम बने हुए थे महाराज जी कि बीच में यात्रा का भी समय मुश्किल को था, जैसे तैसे भाग के पहुंचो और पहुंच जाओ कार्यक्रम में। इनके हाथ में हमने सौंपा तो कुछ कार्यक्रम कैंसिल किए गए, कोई 9 दिन के थे उनको 5 दिन का किया गया, 7 दिन का था उनको 3 दिन का किया गया कि भाई मना किसी को मत करो, लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच में अवकाश हो। इसके आगे जो कार्यक्रम सज्जन शर्मा जी बनाएंगे वो संतों की पूज्य संतों की आज्ञा से महीने में 2 ही कार्यक्रम होंगे, और ताली तो सब बजा रहे हैं, फिर तीसरे चौथे के लिए आग्रह मत करना। हाँ लो वाह। तो महीने में 2 ही कार्यक्रम करेंगे, और कुछ समय श्री मलुक पीठ जड़खोर गोधाम पथमेड़ा गोधाम को देना भी अत्यंत आवश्यक है, अति व्यस्तता के कारण वहाँ भी समय बिल्कुल नहीं दे पाते हैं, वो भी समय देना बहुत जरूरी है। हाँ तो इस प्रकार से, तो आज ऋषि पंचमी के पावन अवसर पर हमने अपने निजी सचिव के रूप में सज्जन शर्मा जी को नियुक्त कर दिया। हमारी यात्रा, हमारे सारे कार्यक्रम ये बनाएंगे, इसलिए हम इसलिए कह रहे हैं कि अब आप हमसे आग्रह मत करना कि हमको कथा दे दो, समस्या यही होती है। लोग कहते हैं उनका उनके उनकी हमें क्या जरूरत है, उनसे हमको मतलब ही नहीं है। रुंगटा जी देखेंगे तो रुंगटा जी के लिए कहते हैं रुंगटा जी से हमारा क्या लेना देना, हम डायरेक्ट महाराज जी से लेंगे, और महाराज के तो स्मृति में रह नहीं जाता है। फिर वही समस्या आएगी कि एक एक सप्ताह में 3-3 सप्ताह हम तो ऐसे ही कार्यक्रम देंगे, और अब उसके योग्य शरीर अब नहीं है। इसलिए भले ही ये यंत्र के माध्यम से लोग भी इस बात को ठीक से जान जाएं कि अब जो भी कार्यक्रम हमारे आगे बनेंगे वो सज्जन शर्मा जी के निर्देश में ही बनेंगे, और ये भी खूब पढ़े लिखे हैं, एक पवित्र आचरण वाले हैं और खूब समर्पित हैं। अब हम क्या कहें, इनके सामने ज़्यादा बड़ाई करना नहीं चाहिए, बड़ाई करने से शुभ नहीं होता है। बाकी ये है कि एक निष्काम सेवक की तरह, माने अपनी यात्रा का खर्च भी खुद बहन करना, वो तो इतना ज़्यादा विचार करते थे, बोले हमारे पास आटा दाल चावल भी बांध के चलो, भैया ऐसा तमाशा मत करो, आप जो भगवत प्रसाद मिलता है उसको आप प्रेम से पाओ। माने अपने खर्च का भार भी उल्टे सेवा करते हैं, तन से मन से धन से वचन से, बाकी कोई इनका एक पैसे का भार किसी संस्था पर नहीं है, किसी संस्था पर। तो ये भगवान की बड़ी कृपा है जो ऐसा पवित्र भाव है, और ऐसा भाव मन में होगा महाराज जी वही सेवा कर पाएगा। कोई हेतु होगा, कोई कामना होगी तो सेवा में अपराध बनेंगे। बस हमारी प्रार्थना यही है कि यह जो आपको सेवा का भार दिया जा रहा है ये बहुत गुरुतर कार्य है। सबको संतुष्ट रखना और सबकी हजार बात सह के भी स्वयं एक शब्द न बोलना, ये बहुत सेवा करने वाले को सबकी सुननी पड़ेगी, और जो सेवा नहीं कुछ नहीं करता उसको तो कोई बात नहीं, लेकिन काम करने वाले को ही सुननी पड़ती है। भगवान आपके मन में खूब सहन क्षमता बढ़ावें, और अब हम दवाई तो ये देते ही हैं, अब सब इन्हीं के ऊपर हम सौंप के हमारे पास जो समय मिलेगा अपना 2-4 राम राम हो जाए, कुछ स्वाध्याय हो जाए।
श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।